पूरी रात सोने नहीं दूंगा ऐसा कहा था। सोचा था थोड़ी मस्ती होगी, ये तो 11 बजे खराटे मारने लगा। मेरे हस्बैंड में तो रोमांस कम है और न्यूसेंस ज्यादा है। ए, कार, कार, कौन है? अजी जल्दी पहुंच रही है। अरे क्या हुआ? चल रहा है। क्यों इतना चिल्ला रही है? कार को चुरा कर ले जा रहा है। मैं कहीं जा रहा है? चोरी करके जा रहा है? अरे रुक जा, मेरी कार। 10 रुपए बचाने के लिए अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की होगी। नहीं सर, पार्किंग में ही खड़ी की थी। तो फिर पार्किंग वाले को ही पूछो ना। कुछ नहीं पता सर। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? फोन रखो, बेवकूफ कहीं का। हेलो सर। नमस्ते सर, मेरी कार गई सर। कार क्या, दुनिया में सब कुछ चला जाता है, अफसोस मत करो। ठीक है, अब नंबर बताओ। सर 8-3-225। घर का पता मत बताओ, कार का नंबर बताओ। अरे मुझसे गलती हो गई सर, AP 28 BG 7163। मिल जाएगी तो बताऊंगा। कब तक मिलेगी सर? हमारी जीप चोरी हुई थी तो 6 महीने के बाद मिली थी। तुम्हारी कार कब मिलेगी, किसको पता है? चलो फोन रखो। सर सर, मेरी कार चली गई ना। जी हाँ सर। ऑफर्स आते हैं जाते हैं सुनता आया हूँ, लेकिन अब कार्स भी आने जाने लगी। हाँ चलो आगे बताओ। सर वो कार मेरी गर्लफ्रेंड की है सर, उस चोर को किसी भी तरह पकड़िए ना सर। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ने के लिए बोल रहे हो? सर गर्लफ्रेंड को नहीं, उस कार चोर को। ठीक है, टेंशन मत लो, पकड़ता हूँ। हाँ बोलो शीला। अभी तो घर से आया हूँ, इतनी जल्दी फोन क्यों किया? वो गया जी। क्या बोल रही हो, अब तुम्हारा क्या गया? आपने जो गिफ्ट में स्विफ्ट दी थी वो गई थी। हमें हमारी कार कब मिलेगी? मैं तो कंप्लेन तो किया है। किसका फोन है? ए चंटी, मेरी कार चोरी हो गई यार, बहुत टेंशन में। अरे कार मिलने के बाद फोन करूंगा। ए नारायण, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे आज सुबह सुबह मेरी कार चोरी हो गई, बहुत परेशान हूँ। अरे मेरी भी कार चोरी हो गई है, हर एक गली में ढूंढ रहा हूँ उसे, कहीं नहीं दिख रही। क्या कह रहे हो? हाँ अभी SI को फोन किया था, वो चौराहे पर आ रहा है, उससे मिलते हैं। सोचो मत। चलो चलो चलो। हे सर, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से वो इसी एरिया में कहीं पर है। ऐसा क्या, कार मिल गई क्या? बात कर रहा हूँ ना मैं, तू बीच में क्यों बोल रहा है? जरा चुप बैठेगा। सर सर, हमारी कार मिल गई क्या? सर बताइए सर। देखो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से हमारी कार यहीं कहीं पर है। हमारी कह रहे मतलब आपके भी चोरी हो गई? पेपर में छापोगे? सर कार में वाइफ भी थी और वो बिना पासवर्ड के वाईफाई जैसी है। देखो तुम अपना टेंशन मुझे मत दो, हमारी कार यहीं है। सर मैंने देखा उधर सर, सारी कार वहीं पर है। सुनिए जी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमारी कार भी गई थी। हम जिस आसानी से कॉलिंग बेल बजाते हैं वो उसी आसानी से कार उठाने लगा है, अब चाहे कहीं भी उसे पकड़ना ही होगा। सर वो देखिए वहाँ है कार। ओपनिंग मस्त था ना। hey, कौन है रे तू? बप्पी। तूने ही हमारी गाड़ी चोरी की? चोरी नहीं रही, रिकवरी किया। तू कौन है गाड़ी रिकवरी करने वाला? मारूंगा तो बिना कवरेज एरिया में जाएगा तू। बप्पी रिकवरी, बप्पी फ्रॉम HDFC। इलेक्ट्रिक बिल, केबल बिल टाइम पर भर देते हो, ऐसा क्यों? वो कट करेंगे, हम नहीं कट करेंगे, इसलिए लेकर आया हूँ। इज्जत से अपनी अपनी EMI भर दो और कार ले जाओ, और नहीं भरा तो इन कार्स को ऑनलाइन में डालकर बेच दूंगा। अरे मैं हाउस लोन ही नहीं भरता हूँ तो कार लोन क्यों भरूंगा? तो तुझे इतनी कार की क्या जरूरत है? तेरे लिए कार, तेरी बीवी के लिए कार और तेरी गर्लफ्रेंड के लिए। डुअल सिम है ना, बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। तुझे क्या हुआ?
मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत है। ए, अपनी हालत तो देख लेते दूसरी औरत रखने से पहले। EMI भरने के लिए फोन किया तो तू बैंकॉक में ऐसा कहा गया था, लेकिन तेरी कार तो पड़ोस में घूम रही थी इसलिए लेके आया हूँ। बैंकॉक वैसे गया क्यों था? मेरे बैकग्राउंड के बारे में तू नहीं जानता, MLA से लेकर MP तक सब जानते हैं मुझे। MLA और MP जनता के लिए इतना भी काम नहीं करता है, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ लोगों के लिए वो बड़े काम आता है। आज अपनी अपनी EMI नहीं भरी तो सिर्फ कार ही नहीं बल्कि तुम लोग भी यहाँ से जा नहीं पाओगे। नहीं भरा तो क्या कर लोगे? बॉयज क्या कहा? भाई देखो भागे नहीं। क्या यार, मैं लोकल थाना इंचार्ज हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, दो दिनों में देता हूँ। मैं भी लोकल हूँ, दो दिनों के बाद ले ले। दे दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कौन देगा? सुधर जाओ। चलो चलो सर आगे बढ़ो। इतना पैसा भरने के लिए कितना घूमेगा बे? अरे अभी तो पैसे कोई रिकवरी थोड़े गुंडा कर दिया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर सर सर, कार तो मिल गई लेकिन वाइफ नहीं है। वाईफाई कहा था ना तुमने? अरे किसी के साथ कनेक्ट हो गया, खुद जाकर ढूंढ। इतने दिनों से कहाँ थी? अपना नंबर बदल दिया क्या? नया नंबर लिखा था। हाँ, बता दी। सेव करो तो। पता है अरे क्या कर रही है? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू इसके साथ कनेक्ट हो गई क्या? तेरी खबर लेता हूँ, तू घर चल मेरे साथ। फोन किया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? चल तू चल, मैं तुझे आज बताता हूँ। भाई बहने जैसे राखी बांध कर पैसा वसूलती है, हमने भी वैसे ही वसूल लिया। आज का अपना कलेक्शन 10 लाख तक हो गया यार। भाई सुन, पब में पार्टी होनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की? लेट्स पार्टी। बोलो भाई। अरे यार, अपने रत्नागिरी को किसी ने बुरी तरह मारा है, वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। ऐसा क्या? हे, इसकी माँ नहीं चाहती तो हम इसे मिलने क्यों आए हैं? अरे भाई इसकी हालत देख। अरे यार, हाँ, AP और तेलंगाना जैसे अलग हुआ है वैसे इसके बॉडी का पार्ट भी अलग हो गया। अरे तुझे किसने मारा रे? पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गई है, अपना मुंह उस तरफ क्यों घुमा रहा है? शर्म आ रही है क्या? शर्म की बात नहीं है, इसकी गर्दन निकल गई होगी। मुझे डाउट है यार, इसका टाइम पूरा हो गया लगता है। हाँ, कल नहीं तो परसों इसका श्राद्ध का खाना खाएंगे। चलो अभी चलते हैं। मेरा जो पैसा बाकी था आज देखा क्या? फ्रेंड्स हो ना तुम लोग? फ्रेंडशिप की वैल्यू क्या होती है तुम्हें नहीं पता? फ्रेंडशिप के बारे में बात करियो तो ऐसा लग रहा है जैसे नित्यानंद स्वामी प्रवचन दे रहे हो। तुमने और तुम्हारी माँ ने इससे मिलने के लिए मना किया है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हुई है। क्या कहा था तुमने? फ्रेंड हवा के झोंके की तरह होते हैं, अगर हवा ना हो तो इस दुनिया में कोई जी ही नहीं सकता। ऐसा क्या? तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, हम लोगों ने ही तुम्हें गलत समझने की भूल की। इसकी हालत ऐसी होगी कभी नहीं सोचा था। आप परेशान मत होइए, हुआ क्या है वो बताइए। कल से पूछ रही हूँ, ये कुछ भी नहीं बता रहा। फैमिली को तो नहीं बता रहा है लेकिन फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करेगा। चल बताना क्या हुआ है। ए, तेरे से पूछ रहे हैं, बोलना। अरे बोलना क्या हुआ? क्या यार, बता भी देना। बोलेगा क्या हुआ? क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। बहन की शादी करने के लिए छुपा कर रखा हुआ 10 लाख रुपया माँ से लेकर एक सुपर मार्केट खोला था। बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है क्या? सुपर मार्केट तो ठीक ठाक ही चल रहा है यार। हाँ तो फिर क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलना। इंटरेस्ट के लालच में जिसे मैं नहीं जानता था मैंने उसे भी कर्जा दे दिया। तो क्या 10,000 रुपया उधार हुआ होगा? 10 लाख यार। 10 लाख? ये तो बहुत है यार, ये तो बहुत है यार। गवर्नमेंट जिस तरह किसानों को पैसा दे रही है वैसे तू दे रहा है क्या? मैंने सोचा था वो लौटा देंगे। तुझसे जिन्होंने कर्जा लिया है वो छुप कर घूमेंगे लेकिन तेरे पैसे नहीं लौटाएंगे। हाँ एकदम सही बोला यार। डर लग रहा है यार, बहन की शादी नहीं रुक जाए कहीं, प्लीज कुछ करना यार। मार्केट में जो पैसा देता है वो अच्छी तरह से वसूल करता है, तो तू भी कुछ ऐसा क्यों नहीं करता? मेरी माँ ने तुम्हें गाली दी इसलिए सोचा कि तुम लोग शायद आओगे नहीं। अबे ए, कभी गंजे को अपने बाल बनाते हुए देखा है? माँ ने डाटा तो फ्रेंड्स को छोड़ देगा क्या? तू रिकवर होने से पहले तेरा सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। थैंक्स यार। चल गंजे वाला लिस्ट बता। बताता हूँ। चलो यार। चल चल चल। चलो यार। चलो यार। चलना। आहा। ओ। इधर ही। नाइस। अरे ये ला इधर दे। इसमें ही है वो लिस्ट। हाँ, रविशंकर 5,116 रुपए, भवानी 10,116 रुपए, नारायण 6,100। ऐसे पढ़ रहे जैसे शादी में चढ़ावा चढ़ाते हो, ठीक से पढ़ना यार। सही क्या?
अबे ठीक से पढ़ना कदे। बाबू राव 4,000 रूपए, मिस्टर ईगो 1,50,000। मिस्टर ईगो? राजमोहन रेड्डी पता है, जगनमोहन रेड्डी पता है, ये मिस्टर ईगो कौन है? मिस्टर ईगो? अरे ऐसे घबरा क्यों रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना। तो इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है वो। जैसे बच्चों को बलून पसंद है ना, वैसे उसे ईगो पसंद है। कुछ लोगों का ईगो तो कुछ ग्राम होता है, उसका ईगो तो कई टन में है। अरे हम जैसे लोगों का पैसा लेकर वो अय्याशी करता रहता है। एक बार को दाऊद से पंगा ले सकते हो, पर उससे पंगा नहीं ले सकते। पंगा लेंगे तो वो क्या बिगाड़ लेगा? समझ नहीं रहा। अरे पिंजरे में रहने वाले टाइगर को कोई भी देख सकता है, पिंजरे में जाकर फोटो खींचने वाला ही मर्द होता है। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई? इतना भी डायलॉग नहीं होगा तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी यार। वो कहाँ रहता है जल्दी बता। मैं उसके पास गया था पैसा मांगने, तो उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे बाकियों से वसूल कर उसे जाने देते हैं यार। तो चलो पहली रिकवरी उससे स्टार्ट करते हैं। ए, आर यू श्योर? अरे बोल वो कहाँ रहता है।